जगह, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो जानवर को आप जहां देख के मारें, या उसका नाम इतना हुरमत वाला कि उसके नाम लेने से फिर कुल्ली करना पड़ेगा, जैसे मेरे को अभी 4 बार कुल्ली करना पड़ेगी, मैंने 4 बार ले लिया। और लोग इतनी हुरमत इस जानवर की वो करते हैं कि कभी कभार उसका नाम भी नहीं लेते हैं, है ना। कि एक साहब एक बार बोलने लगे कि हमारे घर में, बोले एक बार PIG आ गया था। बोले मुझे लगा कोई बड़ी पोजीशन वाला आदमी आ गया था शायद, PIG ऐसा होता ना, DIG वैसा कुछ, तो भी बड़ी पोजीशन वाला। तो बोला कौन ये, कौन रहता? बोले नहीं, वो रहता ना, बोले वो नाले में। तो मैंने कहा ये क्या है? अरे मैंने बोला सुअर। अरे आपको ली करना पड़ेंगे, बोले आप वजू हुआ तो वजू भी टूट गया आपका। मैंने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में 4 बार नाम लिया, और इमाम साहब जो है तरावी में एक कुरान जहाँ होता 4 बार तो बोलती है, तो कैसा वजू करता जाकर? तो अल्लाह शर्मा रहा नहीं उस चीज़ का। ठीक है वो हराम जानवर है, लेकिन उसका नाम भी नहीं लेना, कुल्ली करना, इतनी भी हुरमत नहीं कि कुल्ली करने की जरूरत पड़ेगी नाम लिए तो। बहुत से लोग होते हैं ना, फिर एक मरतबा जो है रमज़ान कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, और मैंने ऐसी आयत आई तो मैंने बहुत बार सुअर का नाम ले लिया। तो जब मैं नीचे उतरा तो थोड़े लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, कहा आपने इतने बार सुअर का नाम ले लिया? बोले कि मैंने उससे होता क्या है। अब वो तो चले गए, उसका डिस्कशन शुरू हो गया, इसको क्या क्या बोलते लोग, सुअर ना बोलकर, खिंजीर ना बोलकर कितने नामों से पुकारते। तो एक लफ्ज़ आया खिंजीर, एक लफ्ज़ आया सुअर, फिर अब इसके अलावा लोग क्या लेते हैं, PIG, है ना। उसके बाद बोले इंजन, बोले हमारे इलाके में इसको इंजन बोलते हैं। बोले ये क्यों? तो बोले वो एक बड़ा रहता और पीछे छोटे छोटे उसके बच्चे चलते। तो इतने नाम आए, फिर चूहा और नाले का जानवर और गंदा जानवर, मतलब हराम है मैं मान रहा हूँ, इसकी बहुत हुरमत है, लेकिन नाम ना लिया जाए ऐसी हुरमत नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वजाहत ये करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो अल्लाह ने 4 मरतबा इसका नाम खिंजीर का अपनी किताब में लिया, ठीक है, कुरान के अंदर। तो इसका गोश हराम है, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि जानवरों को आप जहाँ देखे मारे। बहुत से लोग क्या समझते हैं, जैसे कुत्ता हराम है, हराम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जुल्म करें उस कुत्ते पर। खिंजीर हराम है, हराम है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर जुल्म करें। वरना होता है उमन लोग इतना जुल्म करते हैं जानवरों पर, इसलिए कि शरीयत ने, देखिए उनका खाना हराम है, बेचना हराम है, लेकिन वो भी अल्लाह की दीगर मखलूक़ात की जैसी मखलूक है, अल्लाह की बनाई मखलूक है ना, तो उन पर जुल्म थोड़ी कर सकते आप, उनका खाना हराम है तो, ठीक, खाना हराम है किसी चीज़ का, तो आप उस पर जुल्म नहीं कर सकते।